स्टार्ट अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। बाकी लोग इनको भी कंप्लीट कर लेना, ये भी अभिक्रिया जो है बोर्ड से एग्जामों में पूछे गए अभिक्रिया है। चलिए ध्यान से देखिए, इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया? इटार्ड अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि टालुइन की ऑक्सीकरण यानी टालुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं। किन की उपस्थिति में कराते हैं? तो याद रखना, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। सबको पता होगा कि क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है CrO2Cl2 होता है। इनकी उपस्थिति में किसका बहुआ? टालुइन का क्या कराना है? ऑक्सीकरण कराना है। यानी टालुइन का आप ऑक्सीकरण किनकी उपस्थिति में कराओगे? क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। देखिए अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो बाबू, ठीक है। आप यदि लाइक शेयर कमेंट करोगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग से कॉपरेट है कि वीडियो आपको पसंद आ जाए तो जरूर लाइक या शेयर कमेंट करा करो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं टालुइन। आप सबको पता है कि टालुइन किनको बोलते हैं, ठीक है। और इनका ऑक्सीकरण कराना है, टालुइन का ऑक्सीकरण कराना है। किनके प्रेजेंट में कराना है? क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंट में कराना है। क्रोमिल क्लोराइड को आप जानते हो, इनका फॉर्मूला CrO2Cl2 होता है। जब हम टालुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको पता है बबुआ क्या मिलता है? बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, यानी बेंजल डिहाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को ही हम इटार्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सबको याद हो गया होगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। टालुइन की ऑक्सीकरण मतलब टालुइन का ऑक्सीकरण कराना है। किन की उपस्थिति में कराना है? क्रोमिल क्लोराइड, जिनका फॉर्मूला CrO2Cl2 होता है, इनकी उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं, हम समझाते हैं अच्छी तरीका से, आप समझोगे। सबको पता है बाबू कि टालुइन का फॉर्मूला जो है इस प्रकार का होता है। बेंजीन में आप CH3 समूह को जोड़िए, ये आपका टालुइन है, इनका ही ऑक्सीकरण कराना है। तो किनके प्रेजेंट में कराओगे? CrO2Cl2 के प्रेजेंट में क्या कराओगे? यानी टालुइन का CrO2Cl2 के प्रेजेंट में क्या कराओगे? ऑक्सीकरण कराओगे। तो चलिए हम ऑक्सीकरण कराते हैं। यहां होता क्या है, जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो इस टालुइन समूह में क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे आपका CH के साथ O जुड़ जाता है, यानी सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाता है। और यहाँ से दो H2 जो है एक ऑक्सीजन के साथ H2O बन जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया है। फिर से बबुआ ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये आपका टालुइन है, टालुइन का ऑक्सीकरण कराना है। किनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराना है? क्रोमिल क्लोराइड, जिनका फॉर्मूला CrO2Cl2 होता है। तो जैसे हम इनका ऑक्सीकरण करा तो यहां से क्या होता है कि CH और एक ऑक्सीजन के साथ एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। और यहां से जो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। तो देख लीजिए आपका इक्वेशन बनकर रेडी हो गया है। टालुइन का ऑक्सीकरण CrO2Cl2 की उपस्थिति में करा, आपको क्या मिला? बेंजल्डिहाइड मिला। इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे? इटार्ड अभिक्रिया बोलोगे, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद है तो जरूर कमेंट शेयर लाइक करना, ठीक है। आज का क्लास यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।